नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ भूवी किंगर। अपनी आवाज से गाने को एक नया मुकाम देने वाले सिंगर एआर रहमान का आज यानी 6 जनवरी को जन्मदिन है। उनके गाने देश में नहीं विदेशों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक बड़ी पहचान दिलाई। आज इस खास मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ और खास पहलुओं के बारे में। रहमान का जन्म 1967 में तमिलनाडु में हुआ था। उस वक्त उनका नाम एएस दिलीप कुमार था। खबरों की माने तो 1989 में उनकी छोटी बहन बीमार पड़ गई। उनके बचने की उम्मीद नाक के बराबर थी। रहमान ने उनके लिए खूब प्रार्थना की, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो वो मस्जिदों में दुआएं मांगने लगे। यहाँ पर उनकी दुआ कबूल हो गई और उनकी बहन ठीक हो गई। इस चमत्कार को देख रहमान ने इस्लाम कबूल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एआर रहमान की बायोग्राफी द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक में बताया गया है कि ज्योतिष के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदल लिया। असल में एक इंटरव्यू में एआर रहमान ने बताया कि उनको अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, तो ज्योतिष ने जैसे ही उनको एडवाइस किया उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार से एआर रहमान रख लिया। जानते हैं उनके नाम में एआर क्यों जोड़ा गया? क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि उनके नाम में अल्लाह रखा जोड़ा जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, रहमान कीबोर्ड, पियानो, सिंथेसाइजर, हारमोनियम और गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें सिंथेसाइजर में महारत हासिल है। रहमान ने अब तक करीब 100 से ज्यादा गानों में अपना संगीत दिया है। उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में रंगीला, रोजा, बॉम्बे, दिल से, लगान और ताल शामिल हैं। हाल ही में उन्होंने जोधा अकबर, स्लम डॉग मिलियनेयर और दिल्ली 6 में भी संगीत दिया। एआर रहमान के करियर और अवार्ड्स की बात करें तो वो पहले भारतीय हैं जिन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वो पहले भारतीय भी हैं जिनकी ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए संगीत देने के लिए उनको 3 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले। उन्हें 14 फिल्म फेयर, 11 फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 अकादमी और 2 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 2000 में उनको पद्मश्री और 2010 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।